आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे यह भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है, कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो आदमी मन के साथ जीता है वो अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है, अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाए। छोटी सा सूत्र है लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि ये काम कल कर, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज, आज नहीं, जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, ये समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है दोस्तों। ये एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद कर, कल कर, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं। और सफलता आसान नहीं होती, आसान होती तो सब ले लेते हैं। सक्सेस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लगता बहुत आसान है कि इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। वो फोटो देखता है 2001 में सेंट्रो, 2020 में एस क्लास, आहा हम भी लगा लेंगे, है ना। ये तो कितना आसान है, ऐसे लगा लो, बस लगाओ चल जाएगा तुम्हारा पता। आसान होता तो सब लगा लेते ना यार, आसान मतलब घर में रखिए और आप पढ़ नहीं रहे, उससे बेटर है कि आप बाथरूम में रखो और उसको पढ़ो। तो विवेकानंद जी गीता पढ़ते थे तो हुआ क्या, एक अंग्रेज उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसने, अंग्रेज ने विवेकानंद को देख के बहुत जोर से हंसी क्योंकि उनके वार्डरोब के बिल्कुल साथ में, बेड के साथ में गीता रखी हुई थी। अब वो गीता तो रखी थी लेकिन गीता के ऊपर कम से कम 15-20 किताबें और रखी थी अलग अलग राइटर्स के, कुछ अंग्रेज राइटर्स की किताबें भी वहां पर रखी हुई थी। उन्होंने बोला, विवेकानंद जी आपने मान लिया कि गीता नीचे है और हमारे सारे जो राइटर्स हैं वो ऊपर हैं, इसलिए आपने गीता नीचे रखी है, आपने मान लिया, फाइनली यू एक्सेप्टेड, क्योंकि किताब नीचे पड़ी थी और बाकी सारी किताबें ऊपर रखी थी। देखो सबसे ऊपर कौन है, हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर सबसे। अब विवेकानंद जी हाजिर जवाब थे, उन्होंने नीचे वाली गीता पकड़ी और झट से खींची तो सारी किताबें गिर गई। तो विवेकानंद जी ने बोला, बेस तो यही था बेटा,